चार ओवर 92 रन बाकी है, सामना करेंगे फजल अफरीदी का। अरसलान अच्छी बात, वंस अगेन शॉर्ट ग्राउंड शॉट, रन आएगा जस्ट एक, तो पहली बॉल पे सिंगल आया। जी हाँ, 23 बॉलें 90 रन बाकी हैं, 24 पे 92 चाहिए था पहला सिंगल, दूसरा वाइड, 23 बॉलें 90 रन, फुल टॉस बीड और रन वाइड, वाइड के साथ दो रन आएंगे, अब 88 रन बाकी। पहली पे सिंगल, अगली वाइड, फिर वाइड के साथ बाय का सिंगल, तो अब 92 चाहिए था, 24 पे एक पे चार आया है, तो अब 88 रन है। स्ट्राइक पे अगेन अरसलान अच्छी बात, फुल टॉस नो बॉल, और यहाँ पे थाउजेंड मैन भी बीट, 5 रन दे दिए फजल फरीदी ने, तो एक बॉल पे 9 रन दे दिए फजल फरीदी ने एक्स्ट्रा रन देते हुए, तो अब 83 रन बाकी है दोस्तों, और अच्छी बात विकेट पे मौजूद है, 83 रन बाकी है, 23 बॉले बाकी हैं, 23 बॉले 83 रन बाकी, एक बॉल पे इस ओवर में 9 रन दे चुके हैं फजल फरीदी, तेज तरीन जरूर बॉलर है लेकिन एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं। सामने बल्लेबाज अरसलान अच्छी बात, सिक्सर मशीन ऑफ गुजरात, शॉट एक्स्ट्रा देंगे, मौका देंगे, डग आउट के ऊपर से खेला अच्छी बात ने, और दो बॉलों पे 15 रन लगा दिया, 92 चाहिए था, 24 पे तो दो पे 15 आ गया, अब 77 रन बाकी हैं, और अच्छी बात बिल्कुल डटे हुए हैं, दो 24 बॉल पे 92 चाहिए था, तो दो बॉलों पे 15 आ गया, 77 रन बाकी हैं दोस्तों, और इस ओवर में दो बॉलों पे 12 रन 15 रन लगा रखे हैं, 77 बाकी और बॉलें अभी भी बाकी हैं दोस्तों, 22 फजल फरीदी अगला बॉल, दो पे 15 दे चुके हैं, 77 बाकी है, 22 पे फजल फरीदी अगला बॉल, सामने अच्छी बात, और यहाँ पे फ्लिक तेज फील्डर, अच्छी फील्ड, यकीनन यहाँ पे 3 रन बचाए हैं कराची के फील्डर ने, और 3 बॉलों पे 16 रन आए हैं इस ओवर में, 76 रन बाकी हैं और 21 बॉलें बाकी हैं, 50,000 पहला इनाम है, और अगला बॉल वंस अगेन सामना करेंगे वसीम अप्पू, 76 रन बाकी हैं और 21 बॉलें बाकी हैं, फजल फरीदी शॉट आया वसीम अप्पू, ये बॉल वो है कि आ बैल मुझे मार वाला बॉल है, फजल फरीदी के पास पेस जरूर है लेकिन यहाँ पे कराची के लिए महंगे साबित होते हुए, 4 बालों पे 22 रन दे दिए, 4 बालों पे 22 रन दे दिए, अच्छी बात वसीम अप्पू को गाइड करते हुए कि ये ओवर है ले लो, मेला लूटना है हमने, 175 चेज करना है, तो यहाँ पे अब 20 बॉले बाकी है, 70 रन बाकी है, 20 बॉले 70 रन बाकी है, 4 बालों पे 22 रन लगा दिए अच्छी बात, एंड वसीम अप्पू ने लाजवाब बल्लेबाजी, एक्सीलेंट बैटिंग, 4 बॉलों पे 22 रन, 5वा बॉल फजल फरीदी, सामने वसीम अप्पू, 4 पे 22 आ चुका है, 70 बाकी है, 20 पे वंस अगेन, यहाँ पे अच्छा बॉल, बड़ा बॉल बाय, तेज बॉल था, स्विंग भी मिला है, साथ में सिंगल आएगा, 69 रन बाकी है, 19 बॉलें बाकी है, सामना करेंगे अरसलान अच्छी बात, जी हाँ 69 रन, 69 रन बाकी है दोस्तों, फजल फरीदी मैच बॉल करेंगे, 19 बॉले 69 रन, सामने अच्छी बात, शॉट वो बड़ा शॉट यार, एंड कर गया अच्छी बात, आउटस्टैंडिंग अनबिलीवेबल बैटिंग बाय अरसलान अच्छी बात, सिक्सर मशीन ऑफ गुजरात, 50 भी मुकम्मल किए हैं, 7 छक्कों के साथ, निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मल की और छक्कों की बरसात भी की है, और इसके साथ अच्छी बात अब 63 रन बाकी, 18 बॉले बाकी है, 175 के ताकुब में कमाल कर गई है सिंध की साइड, 18 बॉल 64 रन बाकी हैं, तकरीबन 22 की 21-22 के एवरेज से जाना है, पहला बॉल इनसाइड एज कैच ड्रॉप, चांस मिला वसीम अप्पू को, ऐसे कैच ड्रॉप करेंगे तो कराची हार जाएगी, मैच बना था लेकिन यहाँ पे मैच 17 बॉलें चले जी, उबैदुर रहमान की पहली बॉल पे कैच ड्रॉप, दूसरा वाइड, 17 बॉलें 63 रन बाकी हैं, उबैदुर रहमान कराची के नंबर 1 बॉलर, वंस अगेन अगला बॉल शॉट मिस इट, कैच कैच नहीं होगा, आराम से आ जाएगा 6 मिस इट, जब छक्का होता है तो बैटिंग साइड, अगर अच्छी बात ये मैच वसीम अप्पू मैच विन करवाएंगे तो अच्छी बात के लिए 50,000 का नाम है फखरे कनकोट जैन मलक की जानिब से, अब बॉलें बाकी हैं दोस्तों यहाँ पे 16 और बॉलें रन बाकी है 57, 16 पे 57 बाकी हैं, 16 पे 57 बाकी है, 16 बॉलें 57 रन बाकी हैं, सामना करेंगे वसीम अप्पू उबैदुर रहमान का, 16 बॉलें 57 रन, दो बॉलों पे 7 आ चुका है, वंस अगेन उबैदुर रहमान अगला बॉल, सामने वसीम अप्पू कमाल का बॉल, एक्सीलेंट बॉल बाय उबैदुर रहमान, वेरी वेल डन, एक्सीलेंट कमबैक, अच्छी कर, 15 बॉले 57 रन बाकी है, और 15 बॉले 57 रन, 15 बॉले 57 रन, सामना करेंगे वसीम अप्पू, 3 पे 7 आया, 64 चाहिए था, तो अब 15 बॉले 57 रन बाकी है, वंस अगेन आए बॉल की और शॉट आया वसीम अप्पू, क्राउड खड़ा हुआ है, डग आउट में जश्न का समय है,
अच्छी बाट भी दाद देंगे, अपू साथ देते हुए भरपूर। अब 14 बॉले बाकी हैं, रन बाकी है 51 और अच्छी बैट और वसीम अपू में से एक भी बल्लेबाज अगर लास्ट तक खेल गया तो यकीनन कराची से जीत छीन ले गए ये दोनों बल्लेबाज। और अच्छी बैट के लिए अनाउंसमेंट भी है, ये मैच विन करवा के बाहर आए 50,000 कैश दिया जाएगा। 14 बॉले 51 रन, 4 पे 13 आ चुका है। 14 बॉले 51 रन सामने वसीम अपू, नॉन स्ट्राइक पर सलाना अच्छी बैट। 14 बॉले 51 रन सामने और यहाँ पे ग्राउंड शॉट, रन आएगा एक। अब 13 बॉले 50 रन बाकी हैं, 13 बॉले 50 सामना करेंगे अरसलान अच्छी बैट सिक्सर मशीन ऑफ गुजरात। जी हाँ, लास्ट 12 बॉले बाकी हैं, 50 रन बाकी है। अरसलान अच्छी बैट दूसरे हैंड पे सामने वसीम अप्पू, हर ओवर में 4 छक्के। अच्छी बैट मैच विन करवा के बाहर आएगा तो कम कोच की सरजमीन से तल्लक जैद मलक की जानी से 50,000 कैश प्राइज दिया जाएगा। तो क्या आज अच्छी बैट 175 रन के ताकुब में कमाल का खेला है अच्छी बैट, 6 ओवर में 125 बना रखा है। तो अब 12 पे 50 बाकी है सामने वसीम अप्पू, सैफ कराची से वंस अगेन कराची वर्सेस इन, पहला बॉल कमाल, कीपर बीट और यहाँ पे रन आएगा 5। तो बगैर बॉल के 5 रन आ गए हैं, बगैर बोल्ड हुए, बोल्ड की अपील की अबैदुर रहमान ने बॉलर ने, लेकिन विल्स नहीं गिरा तो 5 रन आ जाएंगे। उबैदुर रहमान ने कमाल कवर किया था गुस्सा, 11 बॉले 45 रन, 11 बॉले 46 लीगल बॉल था, 4 रन आए हैं तो 11 पे 46 बाकी हैं, 11 बॉले 46। वसीम अप्पू स्ट्राइक पे अच्छी बात दूसरे बॉल पे है, व्हाट अ ड्रामा यार, विकेट को बॉल लगा, इतना तेज बॉल लगा लेकिन फिर भी कीपर बीट, बीट 11 बॉले 46 रन बाकी, 11 बॉले 46 रन। अच्छी बात दूसरे एंड पे सामने वसीम अप्पू, 25 की एवरेज से जाना था, पहली पे चौका आया है भाई का सामने वसीम अप्पू, 11 बॉले 46 रन। और सैफ अगला बॉल और यहाँ पे शॉट, ग्राउंड शॉट, रन आएगा बैदुर रहमान फील्डर, 1 रन आएगा। अब 10 बॉले 45 रन, अरसलान अच्छी बात स्ट्राइक संभालेंगे, मैच अच्छी बात के ऊपर है, 10 पे 45 बाकी है। अच्छी बात है कि आप फिनिश करेंगे, 50,000 ले जाएंगे और 7 छक्के, 10 बॉले 7 छक्के, 10 पे 45 बाकी है। सैफ सामने अच्छी बात, अरसलान अच्छी बात सिक्सर मशीन ऑफ गुजरात, सैफ कराची से वंस अगेन अगला बॉल और सामने अच्छी बात, शॉर्ट पुल कैचेस विन मैचेस, कैच थाम लिया और यहाँ पे अच्छी बात आउट हुए हैं बिल्कुल, सैफ यहाँ पे गुस्सा करते हुए और कराची ने यहाँ पे बड़ा बड़ी मछली का शिकार किया है। अब 9 बॉले 45 रन, अच्छी बात आउट हुए हैं यहाँ पे। अब वसीम अप्पू क्या करेंगे, अब कराची की टीम यहाँ पे फेवरेट होते हुए, 9 बॉले 45 रन सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज, 9 बॉले 45 रन कराची। सैफ अगला बॉल यहाँ पे अच्छा बॉल, एक और गोली, एक्सीलेंट बॉल बाय सैफ, 8 बॉले 45 रन, 8 बॉले 45 रन सामना करेंगे वंस अगेन कासिम, सैफ आए बॉल की ग्राउंड शॉट, रन जाएगा एक, 7 बॉले 44 रन बाकी, सामना करेंगे वसीम अप्पू लेकर कराची के हमले, 7 पे 44 बाकी है, 7 बॉले 44 रन। सैफ अगला बॉल सामना करेंगे वसीम अप्पू, शॉट एक्सीलेंट बॉल बाय सैफी, 6 बॉले 43 रन बाकी, 43 रन, शफीक पहला बॉल, पहला छक्का, क्रिकेट बाउंस चांस है, मैच हाथ से निकला जरूर है लेकिन अगर वसीम अप्पू अगर लड़ेंगे, अगर 5 बॉले 37 रन बाकी है, तक बॉल डॉट नहीं होता जब तक वंस अगेन अगला बॉल सामना करेंगे वसीम अप्पू, आए बॉल की शॉट, 3 बॉले 3 छक्के, आया वसीम अप्पू यार, हार जीत पार्ट ऑफ गेम है। अगर इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी पसंद आ रही है सिंह के शिदा देखी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये देखें पूरा क्राउड ताली, शफीक रहमान का वंस अगेन आए बॉल की शॉट, 5 बॉले 5 छक्के, क्या बात है, जबरदस्त यार, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी, ये क्राउड चेक करें, 5 पे 5 छक्के लगा दिए वसीम अप्पू ने, 5 बॉले 5 छक्के, वहां सामना करेंगे वसीम अप्पू, क्या छटा लगाएंगे, जी हाँ 6 बॉले 6 छक्के, सिंध की सरजमीन पे जैद भी दाद दे रहे हैं और क्राउड चेक करें, 6 बॉलों पे 6 छक्के, 6 बॉले 6 छक्के वसीम अप्पू के अपने होम ग्राउंड सिंध की सरजमीन पे।